दरभंगा शहर में हुआ बड़ा हादसा आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुल्ला वार्ड नंबर 3 क्षेत्र में एक बड़ी घटना घट गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुल्ला वार्ड नंबर 3 चमट टोली में शौचालय टंकी साफ करने के क्रम में बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। आपको बताते चले कि संजय राम अपने घर में शौचालय टंकी साफ कर रहे थे, इसी क्रम में वह अंदर में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए जब पड़ोसी जब उस संजय राम को बचाने के लिए गए तो टंकी में वह भी गिर गया। उसको बचाने के लिए 2 अन्य व्यक्ति भी गए, वह तीनों करीब यानी कि संजय राम को बचाने के लिए 3 व्यक्ति जो शौचालय टंकी में घुसे उस तीनों की मृत्यु जो है सो हो गई। लेकिन शुक्र यही रहा कि संजय राम स्वयं बच गए, लेकिन संजय राम को बचाने के लिए जो 3 व्यक्ति शौचालय टंकी के अंदर घुसे थे उस तीनों की मृत्यु हो गई। एक की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं 2 को DMCH ले गया, उस दोनों की भी मृत्यु हो गई। कुल 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि स्वयं संजय राम बच गए, जिन्हें बचाने के लिए 3 आदमी गया था वो तीनों जो है शौचालय की टंकी में गिर कर उन तीनों की हो गई मृत्यु। तीनों और संजय राम बच गए। तीनों को DMCH भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। मोहल्ला में मच गया है कोहराम। मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंचकर तीनों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। घटना के संबंध में जैसे ही जिला प्रशासन को मिली जानकारी सदर SDPO अमित कुमार एवं सदर SDO ने DMCH पहुंचकर ली घटना के संबंध में ली विस्तृत जानकारी। आइए सुनाते हैं इस संबंध में स्थानीय लोगों ने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये है नवा गड्डी बेला है, हाँ। वार्ड नंबर 3 है, ठीक है। हर दिन खोला था, किस लिए खोला नहीं खोला वो हमको मालूम नहीं है। क्या खोला? हद का ढक्कन है ना, उधार है, ठीक है। अब किस लिए सफाई करने के लिए खोला था कि क्या कुछ गिर गया उसे देखने के लिए? वही खोला तो उसमें एक आदमी पहले गया तो उसको लग गया डाक, वो नीचे गिर गया। फिर उसके साथ साथ दूसरा भी गिर गया, तीसरा भी गिरा, चौथा भी गिर गया। फिर लास्ट में हम लोग के इधर से दौड़े, हल्ला जब हुआ था दौड़े इधर से तो गए देखने के लिए, तो हम गए निकालने के लिए तो हमको भी डाक लग गया। तो हम तो पकड़े हुआ था एक हाथ रस्सा बांध करके, तो हम निकल गए बाहर। फिर 10 मिनट के बाद गए तो एगो के पकड़ के निकाले, और उसके बाद जा करके जो है एगो के 2 गो के जो है एक और लड़का था वो निकाला। हम इतने देख, एक पहला का क्या नाम है? पहला का नाम है संजय राम। दूसरा का क्या नाम है? दूसरा का नाम है सुधीर राम। तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है नेवल राम। चौथा का क्या नाम है? चौथा का नाम है सुशील राम। चारों एक ही घर के सदस्य थे? नहीं, अलग अलग घर के थे। अच्छा, दियादे भाई थे। माने हौज साफ करने के क्रम में ये घटना घटी, तो उसमें चारों की क्या स्थिति है अभी? चारों का स्थिति जिसमें से 2 गो तो समझिए लास्ट पोजीशन पे है और 2 गो तो सही सलामत है, तो एगो तो यहाँ बैठा हुआ है और एगो 3 गो जो है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल गया है। एक की एक एक जो अभी लास्ट में जो गया है वो डेथ है, डेथ है। जिनके घर में हौज साफ कर रहा था उनका क्या नाम है? उसका नाम है संजय राम। संजय राम, संजय राम, संजय राम, संजय राम। उसी में का एक लड़का है, उन्हीं के घर में ये, हाँ उन्हीं के घर में। बचाने के क्रम में, बचाने के चक्कर में जो है सब ये 3 ये घटना घटी है, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत कुमार राम। क्या हुआ है यहाँ? घटना यही हुआ कि एक संजय राम नाम का लड़का था, वो अपने जो है संजय राम वो अपने घर के ही जो है एक हौद में वो ठीक ठाक कर रहा था या तोड़ फोड़ कर रहा था या सुचारू ढंग से काम कर रहा था, समझे ना। गैस तेज लगने के बाद वो गिर गया हौद में गिर गया, अपना ही हौद में गिर गया। दूसरे आदमी को जब मालूम हुआ तो बचाने के लिए जब गया तो वो अभी अंदर ही रह गया, वो भी नहीं निकल पाया। तीसरा आदमी गया, वो भी नहीं निकल पाया। चौथा गया बचाने के क्रम में, वो भी नहीं निकल पाया। तो उसमें सभी की क्या स्थिति है अभी? एक स्थिति जो आपके सामने में देखने को मिल रहा है, आप देख लीजिए सामने में, ये वो तो ठीक ठाक है संजय राम। और 3 गो का क्या स्थिति है? 3 गो का स्थिति थोड़ा नाजुक बताया जा रहा है। ये तीनों कहाँ है अभी? तीनों को निकाल के DMCH ले गए हैं प्रशासन। अच्छा, और यहाँ क्या हुआ है? ये बेला नवागढ़ी है, वार्ड नंबर 3 मूल निवासी हमें यहाँ पर की। और घटना एक हमारे ये नवागढ़ी के चमरकोली गाँव में हुई है, जो संजय राम अपने हाथ का ढक्कन हटा के कुछ काम कर रहा था, अन्यथा उसको गैस लगने के कारण वो उसमें लोग गिर गया। उसको बचाने के एवज में फिर सुधीर राम ने कूदा, सुधीर राम को गैस लगा उसी में रह दिया। उसको बचाने के चक्कर में छोटू राम कूदा, छोटू राम को भी गैस लगा, और उसके बाद आज ये नवल है जो वो अपने छत पर से कूद के देखा ये तीनों को, वो उसको बचाने के लिए गया, वो भी रह गया। अब अन्यथा एक रंजीत राम है, एक मोहन राम, ये 3 सबको बचाने के लिए दोनों
उसमें कूदा, बेरा बेरी सब तीन आदमी को निकाला, वो एक आदमी उसी में रह गया जो दो घंटा बाद प्रशासन आके उसको निकाला। कुल कितने लोग उस घटनाक्रम में गए थे और कितने की मौत हो चुकी है और कितने लोग इस स्थिति? अभी सुनने में आ रहा है तीन आदमी की मौत हो चुकी है, एक लड़का है जो सभी डॉक्टर कने एडमिट है, चार टोटल चार आदमी सफाई करने के लिए दिया। दो तो एक अपना चचेरा भाई है, हाँ एक गांव में दियादी में है भाई। क्या उम्र होगा सबका? एक लड़का 30 साल का होगा, एगो उसी के आसपास है, एक लड़का कम से कम 22-23 साल का होगा सबका वही। हाँ बस मुझे 20 से ही पा रहे सब लड़का, 30 के आसपास है। करता था क्या? हाँ लड़का लोग क्या करता है? एक लड़का टेम्पू चलाता है, बाकी दो लड़का रिक्शा चलाता है, एक लड़का ये बिस्कुट कारखाना में बेचारा काम करता है। और घर की माली हालत कैसी है? माली हालत तो रोजमर्रा कमाने वाले की माली हालत क्या रहेगी सर, रोजमर्रा कमाने वाले की जैसी हर आदमी का है। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत संजय राम अपने घर का सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे या उसमें कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण वो सेप्टिक टैंक में गिर गए और उनको बचाने के लिए तीन लोग सुशील राम, नवल राम और सुधीर राम उतरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों की शायद दम घुटने से जहरीली गैस के कारण मृत्यु हो गई है। तो क्या स्थिति है सर, अभी क्या कहाँ है वो लोग? अभी उन लोग एक जो संजय राम है जिनका सेप्टिक टैंक था वो इलाजरत हैं और उनकी बॉडी को भी DMCH लेके आया गया है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, परिजन दुख में है और उसके अलावा SH उनका अभी कोई डिमांड नहीं है। सरकारी मदद की बात करें, सामूहिक मौत, सामूहिक मौत है तो अगर इस पर आपदा प्रबंधन विभाग या नगर विकास विभाग की तरफ से कोई भी मुआवजा मिलता होगा तो हम लोग जरूर विभाग को लिखेंगे और इनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे।